मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड है हमारा, सिक्स सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर है थर्ड। तो आगे लास्ट टॉपिक है हमारा, तो भाई हिस्ट्री ऑफ अ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ अ क्लॉथिंग मटेरियल में क्या है, तो हैव यू एवर वंडर द मटेरियल पीपल यूज एशियन टाइम ऑफ क्लॉथिस, कि आप हमारे यहाँ से एशियन टाइम से ही क्लॉथिस के बारे में बहुत है। तो भाई इट इज़ अ प्रिपेयर्ड टाइम्स पीपल अंडर द डार्क एंड बैक हिस्ट्री इन एनिमल स्किन और सारी चीज़ें पहनते थे। तो कि हमारे एशियन टाइप में हमारे जो लोग थे वो क्या करते, तो भाई वो डार्क और बिग लीव्स होती है वो पहनते थे। कि किसकी, तो भी ट्री की जो होती है वो, फिर एनिमल स्किन है, फिर वो पहन के अपनी स्किन है ना जो बॉडी, उसको क्या करते थे, तो कि कवर करते, कवर देमसेल्फ अपनी बॉडी को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगिन द सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी की शुरुआत हुई, दे लर्न हैव Doing grass and the brace basket, win animal freeze hair with the together long stand, कि जब एग्रीकल्चर की हमारे यहाँ से शुरुआत हुई तभी वो लोगों ने वेविंग करना स्टार्ट किया, फिर वो घास जो होता है उसमें से चटाई वगैरह बनानी शुरुआत की, वो सारी चीज़ें बनाई डेकोरेशन की जो होती है वो। ट्वाइस द टुगेदर लॉन्ग स्टैंड, वो बहुत लंबे स्टैंड तक थी। दीज वेर वॉन द फैब्रिक, और वो इंडू फैब्रिक में वो कन्वर्ट किए। द अर्ली इंडियंस इज अ फैब्रिक मेड आउट द कॉटन द ग्रो रीजन टू रिवर गंगा। अर्लियर जो इंडियंस थे हमारे, तो उन्होंने किया वेर फैब्रिक मेड आउट कॉटन टू दैट ग्रो, कि जो कॉटन ग्रो हुआ था गंगा नदी के, रिवर गंगा, नियर रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पे उस कॉटन का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो भाई क्या है उसमें, तो कि भाई फ्लैक्स आर्ट द प्लांट इन टू द नेचुरल फाइबर, जो फ्लैक्स नाम का जो पौधा है वो भी नेचुरल फाइबर मींस के कॉटन के जैसे वो जो फैब्रिक है वो देता है, बट वो इजिप्ट, एशियन इजिप्ट में वो पाया जाता है। ओके, कॉटन वेज द फ्लैक आर इज कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल, की वो जो है ना वो रिवर नाइल के नज़दीक वो पाया जाता है। देयर वर मेकिंग यूज द फैब्रिक, वो फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन, द पीपल सिंपली रिपेट द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट देयर बॉडी, और जो हम क्या करते हैं, तो भाई हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, पहनते हैं। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रेपिंग फाइबर्स वेर यूज, हम बहुत सारे टाइप्स के फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं। व्हेन द इन्वेंट देयर स्लोविंग नीडल, पीपल वी स्टार्ट इन स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ, उन्होंने क्या किया भाई, व्हेन द इन्वेंशन भाई स्विंग नीडल्स, नीडल्स की जब इन्वेंशन हुई तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, पीपल ने, लोगों ने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया, और उससे क्या भैया बनाया, तो भाई फाइबर, फैब्रिक टू मेकिंग क्लॉथ, फैब्रिक बनाया क्लॉथ मेकिंग, क्लॉथ के, क्लॉथ बनाने के लिए फैब्रिक की शुरुआत की। सेटल जो है क्लॉथ हैव द गॉन थ्रू आउट द मेनी वेराइटीज सीन इन्वेंशन, की उसके बाद बहुत सारी वेराइटीज़ के हमारे यहाँ पे क्लॉथिस की शुरुआत हुई। बट इज़ ए नॉट अमेजिंग डे द डेवन साड़ी धोती लुंगी टर्बन यूज अनसेल्टेड प्लेस द फैब्रिक, जो कुछ ऐसे तभी स्टिच किए गए नहीं होते भाई, जो साड़ी है धोती लुंगी है टर्बन वगैरह की जिसको हम पहनते हैं, वो लोग जो मैन होते हैं तो भाई वो धोती है वो सब कुछ पहनते हैं, तो और जो लेडीज़ होती है वो तो साड़ी पहनती है। ओके, उसके आगे है भाई, तो भी जस्ट एज देयर द लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन अवर कंट्री, कि जिस तरह से हमारे कंट्री में फूड मीन्स के खाने की बहुत टाइप्स की वेराइटी है, अ लार्ज वेराइटी एक्सटेंड टू ऑल्सो फैब्रिक क्लॉथिंग आइटम्स, ये उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे क्या है, तो भाई फैब्रिक में भी बहुत सारी वेराइटी होती है, क्लॉथ में भी। ओके, तो भाई हमारे में है यान, तो भाई कि जो हमारे कॉटन रोल्स होते हैं उसमें से क्या कर, गिनिंग करके फाइबर बनाया जाता है, पर स्पिनिंग के बाद यान बनता है और फिर उसमें से क्रेनिंग या फिर वेविंग की हेल्प से फैब्रिक बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, फैब्रिक। ओके, और जो हमारा ये चैप्टर है तो यहाँ पे होता है ख़त्म। अब ये था हमारा कौन सा टॉपिक, तो भाई हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, क्लॉथिंग मटेरियल्स की हिस्ट्री किस हिसाब से, तो भाई एशियन लोग थे तो वो तो डार्क बिग लीव्स जो पहनते थे, पत्ते होते ट्री है के, वो
एनिमल स्किन भी वो लोग पहनते थे, बट जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तभी कॉटन में से बनाए गए क्लॉथिस वगैरह पहनते थे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम अभी सिंथेटिक के, नायलॉन के, वुलन के कपड़े पहनने की शुरुआत कर दिए। ओके, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर क्लोज। थैंक यू।